घर पर कोई फंक्शन होता है तो हम लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, स्पेशली अपने आउटफिट को लेके। साथ ही साथ थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहती है कि यार इस फंक्शन के लिए हम कौन सी ड्रेस पहने या फिर किस टाइप का पैटर्न बनवा सकते हैं। एंड किसी ना किसी फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड से हम सजेशन जरूर मांगते हैं कि हमें किस तरीके का आउटफिट कैरी करना चाहिए। सो गर्ल्स, अगर आप भी एक ऐसी सिचुएशन में फेस करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ पैटर्न एंड डिफरेंट आउटफिट जो आप बनवा सकते हो अपने आने वाले फंक्शंस के लिए। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप ब्लैक कलर के जो सूट है या कोई भी आपके पास आउटफिट है तो आप उसको डिफरेंट कलर के जो आपके आउटफिट है उनको कैसे कंबाइन करके कैरी कर सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला आउटफिट जो आप अपने लिए बनवा सकते हैं फंक्शंस के लिए तो वो है एक हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला प्लाजो सूट। इस आउटफिट को आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, और इसे कस्टमाइज कराने के लिए आपको चाहिए होगा डिजाइनिंग फैब्रिक। ये आउटफिट अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इसे कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो आप डिजाइनर फैब्रिक की होलसेल की शॉप से जाकर ये फैब्रिक थोड़े सस्ते रेट में ले सकते हो और अपने लिए कस्टमाइज करवा सकते हो। और उसके साथ आप पेयर अप कर सकते हो कोई भी कंट्रास्ट कलर का दुपट्टा। तो ये तो हो गया फर्स्ट आउटफिट सजेशन आपके आने वाले फंक्शन के लिए। अगला आउटफिट हमारा उन लड़कियों के लिए आता है जिन लड़कियों को प्लेन सूट बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आज की वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेन सूट आप सिर्फ नॉर्मल रूटीन में ही यूज नहीं कर सकते हो, बल्कि किसी फंक्शन में भी आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन गर्ल्स, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्लेन सूट किसी फंक्शन के लिए रेडी करवाना चाहते हो तो उस सूट का जो फैब्रिक है वो थोड़ा शाइन में होना चाहिए, क्योंकि तभी वो आपको पार्टी एंड फंक्शन का लुक दे पाएगा। एंड इसके लिए सिल्क एंड ब्रोकेट का फैब्रिक बेस्ट रहेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई सूट के बारे में, अब हम बात करते हैं दुपट्टे एंड ज्वेलरी की, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सूट यूज किया है वो काफी ज्यादा सिंपल है, तो उस पर आपको कोई डिजाइन नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके साथ आपको या तो ज्वेलरी कैरी करनी है या फिर जो दुपट्टा होता है वो आप हैवी यूज करेंगे, आप लाइट दुपट्टा बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, जिससे फिर वो क्या होगा कि अगर आप लाइट दुपट्टा यूज करेंगे तो पार्टी लुक नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सिंपल सूट कैरी करते हैं किसी फंक्शन में तो या तो आप हैवी ज्वेलरी कैरी करिए उसके साथ, या फिर जो हैवी दुपट्टा उसके साथ कैरी करिए। नाउ जो नेक्स्ट आउटफिट है काफी अच्छा है, एंड विदाउट एनी डाउट मिरर वर्क साड़ी विद प्लेन ब्लाउज इज बेस्ट आउटफिट फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शन। ये जो आउटफिट है बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली आउटफिट होता है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बहुत ग्लैमरस लुक भी प्रोवाइड कराता है आपके पूरे के पूरे लुक को। अपने इस लुक को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए आप चाहो तो एक छोटा सा नेक पीस भी वेयर कर सकते हो। एंड इस आउटफिट को आप किसी भी कलर में बनवा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एंड आप जिस कलर का भी आउटफिट अपने लिए इसमें तैयार करवाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसी कलर में आपको बैंगल भी वेयर जरूर करने हैं। सो गर्ल्स, इफ यू वॉन्ट सिंपल एंड एज वेल एज ग्लैमरस लुक, सो यू कैन गो फॉर आउटफिट नंबर 4। एंड लास्ट में जो आउटफिट है बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो कि मैं आपको दिखाने वाली, वो है गरारा सूट। आप इस टाइप का गरारा सूट आप अपने लिए बनवा सकते हो, एंड आप बाहर से भी इसे खरीद सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बाहर से खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड गर्ल्स, वैसे भी जो ये वाला सूट है बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, एंड डोंट बी कंफ्यूज इन शरारा एंड गरारा, बिकॉज जो ये गरारा होता है ये थाई से थोड़ा टाइट होता है, एंड नीचे का जो पोर्शन होता है काफी ज्यादा फ्लेयर में होता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो शरारा सूट होता है वो पूरा का पूरा पोर्शन जो उसका होता है फ्लेयरी होता है। तो आगे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि शरारा एंड गरारा है जो सेम होता है, नहीं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। सो गर्ल्स, ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। वीडियो आपका आज का कैसा लगा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने व्यू हमें साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। एंड आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड ये वीडियो आप अपने रिलेटिव्स एंड एज वेल एज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी आइडिया हो जाए। एंड फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, एंड आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी स्टाइलिश, बी ब्यूटीफुल।